आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेन फेलियर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। यूजली ये कहा जाता है कि जिनको डायबिटीज़ होती है उनमें ऑर्गेन फेलियर, किडनी फेलियर और बाकी हार्ट डिसीज़ का रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि जो ऑर्गेन फेलियर होता है डायबिटीज़ की वजह से, खासकर किडनी फेलियर होता है, उसका मेन कारण क्या होता है। देखिए, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और पेट में उसका एक पेस्ट बनने के बाद में वो छोटी आंत में जाता है। खाना यूजली हमारे पेट में 4 से 5 घंटे तक रहता है और उसके बाद छोटी आंत में 4 से 5 घंटे रहता है, उसके बाद वो बड़ी आंत में जाता है और वहाँ पर करीब 40 से 60 घंटे कह सकते हैं रहता है, और उसके बाद हमारे शरीर से बाहर निकलता है। अब ऑर्गन फेलियर, जब हमारा ब्लड ग्लूकोज हाई होता है तो हमारे सेल्स में ग्लूकोज की कमी होती है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें बहुत से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल्स में, और उन बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारा टिश्यूज बनते हैं और उन टिश्यूज से मिलकर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो जो डायबिटीज़ में मेन बात है, जो साइंटिफिकली एडमिटेड फैक्ट है, वो ये है कि जो ब्लड में शुगर होती है, ब्लड में शुगर की कमी नहीं होती है, परंतु वो शुगर सेल्स तक नहीं पहुंच पाती। सेल्स कहते हैं कि इंसुलिन इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहूँगा कि सेल्स कभी भी इंसुलिन इनसेंसिटिव नहीं होते। ये साइंटिस्ट गलत बयान देते हैं अपना इंसुलिन बेचने के लिए, अपने मेडिसिन बेचने के लिए। ये एकदम से टोटल झूठ है। कभी भी हमारे सेल्स कभी भी इंसुलिन इनसेंसिटिव नहीं होते हैं। पर अब मेन बात आती है कि ऑर्गन कैसे डैमेज होते हैं। जो ब्लड शुगर हम देखते हैं वो आर्टरीज में देखते हैं, वो हमारा मेन जो ब्लड होता है, जो हार्ट जिसको पंप करता है, उसमें हम चेक करते हैं ब्लड शुगर को। तो जो ब्लड शुगर है हमारा, वो हाई होने का कारण क्या है कि जब हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है तो जो उस ब्लड में शुगर होती है वो हमारे सेल्स में नहीं जा पाती है। अब सेल्स में अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो सेल्स धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। तो इसीलिए जो डायबिटिक होते हैं, सबसे पहले उनको मसल लॉस होता है। जब उनके मसल्स ख़राब होते हैं, टिश्यूज ख़राब होते हैं, तो उसी के बाद धीरे धीरे करके हमारा ऑर्गन्स में भी उसका असर पड़ने लगता है। अब हमारे ब्लड में शुगर है, वो शुगर सेल्स तक और टिश्यूज तक या ऑर्गन्स तक पहुंच ही नहीं रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा थी इसलिए हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया, नंबर वन। नंबर टू, जब हमारे सेल्स में शुगर और ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जब ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रही, आपको ये समझना है कि जो ग्लूकोज होती है वो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर न्यूट्रिएंट्स को सेल्स में पहुंचना है तो सबसे पहले ग्लूकोज पहुंचेगी, और अगर ग्लूकोज हमारे सेल्स में नहीं पहुंच पा रही है तो सेल्स को, जो भी लाइफ साइकिल है सेल्स का, उसको जिंदा रहने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो तो आप भूल ही जाओ, तो मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये कह देना कि डायबिटीज़ में मेडिसिन ना लेने की वजह से ऑर्गन फेलियर होता है, बिल्कुल झूठ है। आज की डेट में शहरों में 99% लोग डायबिटीज़ होने के बाद दवाइयाँ लेते हैं, परंतु ऑर्गन फेलियर उसमें भी होता है, कुछ लोगों का होता है, कुछ का नहीं होता। और जितने लोग, मेरे पास डाटा नहीं है पर मैं ये दावा करना चाहूँगा कि जितने लोग अपने ब्लड शुगर को जितना स्ट्रिक्टली मेंटेन करते हैं, जितना स्ट्रिक्टली उसको कंट्रोल में रखते हैं, उतना ऑर्गन फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा रहेगी तो हार्ट फिर भी कोशिश करता रहेगा उस शुगर को सेल्स में भेजने की। अगर आप उस शुगर को हमारे ब्लड से ही निकाल दोगे तो सेल्स में तो जाने का मतलब ही नहीं उठता है। तो इंसुलिन और दवाइयों से सेल्स में ग्लूकोज नहीं डिलीवर होता और उसकी वजह से सेल्स की डेथ होती है, और हमारे जो ऑर्गेन्स होते हैं वो सेल्स टिश्यूज से बने होते हैं, तो इसलिए जब वो सेल डेथ होती है तो ऑर्गेन फेलियर भी हो जाता है। तो ये मानना एकदम गलत है। और जो भी लोग हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन एंड वॉक एंड रेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उनका ब्लड शुगर लेवल कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिन के लिए बिल्कुल कम हो जाता है। परंतु आप समझिए कि अगर आप डायबिटिक हो चुके हैं तो आपके सेल्स में एक बहुत दूर तक
डैमेज हो चुका है एक तरीके से, और उसके बाद में जब आपका 15-20 दिन के बाद वो शुगर बढ़ने लगता है, तो वो जो रिपेयर डैमेज हो चुका है वो उसको रिपेयर करने की कोशिश में ग्लूकोज बढ़ रहा है। अब आपका ब्लड शुगर जब बढ़ता है तो आपको पता चलता है, आपको कुछ परेशानियाँ, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, आपको सुस्ती आती है, उस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। परंतु जब आप हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और वॉक एंड रेस्ट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, उसके बाद में आपका फिजिकल डिस्कम्फर्ट नाम का कोई चीज़ नहीं रहता, आपका एनर्जी लेवल अच्छा होता है, आप अच्छे से खा पाते हैं, आप अच्छे से सो पाते हैं, आपका स्टूल मूवमेंट, आपका यूरिन आउटपुट सब कुछ सही हो जाता है। और उसके बाद भी अगर आपका ब्लड शुगर हाई हो रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, जितना डैमेज हो चुका है ये अब प्रोसेस चालू हुआ है उसको रिपेयर करने का, और वो रिपेयर होकर आप बिल्कुल ओरिजिनल, आपका बेसिकली ये एज रिवर्सल सिस्टम है। अगर कोई डॉक्टर कोई भी इसको मना करता है तो आप उससे पूछिए, आप डॉक्टर्स को ऐसे मत छोड़िए, आपके पास पूरा हक है डॉक्टर्स से हर क्वेश्चन को पूछने का और समझने का। और सबसे बढ़िया बात है कि हम वीडियो डाल रहे हैं, अगर कोई डॉक्टर इससे एग्री नहीं करते हैं तो उनको इसके इसमें कमेंट्स में देना चाहिए, अपना वीडियोस दे, उसका लिंक दे, मैं हर एक वीडियो को देखूंगा, मैं हर एक कमेंट को चेक करूंगा और उसका जवाब दूंगा। तो अगर हम नहीं, ऐसा नहीं होता, नहीं ये हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े ऐसे ही नहीं खुल गए, क्या ये साइंटिफिक बातें हैं, ये साइंटिफिक तथ्य है? दिन पर दिन बीमारी बढ़ती जा रही है और हम डॉक्टर्स को बस सिर्फ ये कह के कि वो 5-स्टार होटल जैसा एक हॉस्पिटल बनाए, इतने लोग आते हैं वहां पर, इतना पैसा खर्च करते हैं, तो वो बेवकूफ है? इज दैट ए लॉजिक? क्या ये जस्टिफिकेशन है? क्या आप इस तरीके की बेफजूल बातें सुनने के लिए डॉक्टर्स को पैसे देते हैं क्या? आपको पूरा हक है कि आप उनको जवाब करें, जवाब पूछें। और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, आज आपको बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लगातार वीडियोस मिलते रहें टाइम टू टाइम।